सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और फ्रेंड कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं सिरके वाले प्याज की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी, माइंड ब्लोइंग होती है और देखने में अमेजिंग होती है। देखने में आपको लग ही रहा होगा कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। आपने ये प्याज अक्सर रेस्टोरेंट में खाई होगी और ढाबों पर खाई होगी, होटलों में खाई होगी। तो चलिए आपके साथ हम इस रेसिपी को शेयर करते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे खाने से लू नहीं लगती है, हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को बहुत सारे लाइक दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मैंने ये ले लिए हैं 15 प्याज, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं और इनको मैंने बीच से कट कर लिया है। प्याज को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसको बीच से कट लगाना है, पीसेस को अलग नहीं करना है, जिससे इसमें सिरका और इसका लिक्विड है जो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए प्याज में। तो इन सारे प्याजों को अच्छे से मैं कपड़े से पोंछ ले रही हूँ ताकि पानी हमारा प्याज के अंदर ना जाए और हमारा सिरके वाला अचार अच्छा बने। फ्रेंड्स, इसमें पानी चला जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है और इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये 10 दिन आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक लिया है अदरक का टुकड़ा। अब हम इस अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं। तो मैं अदरक के इस टुकड़े को ग्रेट करूँगी। ग्रेट करने से जो अदरक का सारा जूस है वो प्याज में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कुछ लोगों को अदरक के पीसेस मुंह में आते हैं तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे वो लगते हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। जब हम ग्रेट करके अदरक डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने में पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ली हैं 10 हरी मिर्चें। आप 10-12 जो भी लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें ले सकते हैं। आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च ले लीजिए और कम चटपटा पसंद है तो आप कम मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मिर्चों को इस तरह से 2 पीसेस में डिवाइड करना है। सारी मिर्चों को हम इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे 2 पीसेस में। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जो इस सिरके वाली प्याज का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे एंड में ही यूज किया जाएगा और किस तरह से यूज करना है तो वो भी देखना है आपको। तो मैंने ये सारी मिर्च को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम लेंगे चुकंदर, जिसे हम बीट रूट बोलते हैं। आप इस बीट रूट के पीसेस करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैं इसे ग्रेट करके ही यूज करूँगी। ग्रेट करने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और हमारे प्याज में बहुत अच्छे से जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले सारे चुकंदर को ग्रेट कर लेती हूँ। तो देखिए, हमारा सारा चुकंदर ग्रेट करके तैयार हो गया है और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स सिरके वाली प्याज के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और इसमें मैं 1/2 ग्लास वाटर डाल रही हूँ। पहले हम इस पानी को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 5-6 लौंग फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसको भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने देंगे और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून चीनी और इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स होने देंगे पानी के साथ, थोड़ा चीनी को गलने देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। आपको बाद में थोड़ा कम लगे तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा पानी उबल चुका है, इसमें चीनी और नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बीटरूट और इसको भी हम 2-3 उबाल आने तक अच्छे से खौलाएँगे ताकि इसका जो बीटरूट का कलर है पानी में अच्छे से आ जाए, मिक्स हो जाए ये पानी के साथ अच्छे से बीटरूट। और इसे हम थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स,
पानी में उबाल आ चुका है और बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ़ और उसे हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ही इस पानी को हम प्याज में यूज करेंगे। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे अब मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 5-10 मिनट में ये पानी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी ठंडा हो चुका है और मैंने ये कंटेनर लिया हुआ है और इसे मैंने अच्छे से पोंछ के सुखा लिया है। आप भी अच्छे से पोंछ के सुखा कर ही किसी भी कंटेनर को यूज कीजिएगा। और इसमें अब हम अपने सारे प्याज डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम सारी अपनी हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। और अब इसमें डाल देंगे हम अपना अदरक जो ग्रेट करके हमने रखा हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर से हम डाल देंगे अपना बीट रूट का पानी। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स सिरका जो लास्ट में यूज किया जाएगा। अब हम 1 कप सिरके को इसमें डाल देंगे। मैंने 15 प्याज के लिए 1 कप सिरका यूज़ किया हुआ है और अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे और उसके बाद हम पूरी रात के लिए इस सिरके वाले प्याज को ढक कर रख देंगे। और सुबह दिखाऊंगी मैं इसमें कितना अच्छा कलर आएगा। यदि फ्रेंड्स आपका पानी बीटरूट में कम पड़ जाए तो आप इसका पानी बीटरूट का बना के डाल सकते हैं और सादा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। यदि आप सादा पानी डालें तो उसे गर्म करके ठंडा करने के बाद यूज कीजिएगा, नहीं तो आप मिनरल वाटर सादा यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक ट्रिक और है, यदि आपका बीट रूट के पानी में से सारा प्याज ख़त्म हो जाए तो आप इसमें और प्याज डाल के इसे यूज कर सकते हैं। पानी ये ख़राब नहीं होगा और आपका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस सारे प्याज को पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और सुबह कट करके दिखाऊँगी आपको इसमें कितना अच्छा कलर आया है। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मेरे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स हमारे सिरके वाले प्याज का पूरी रात हो चुकी है और हमारे सिरके वाले प्याज में कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है आप देख सकते हैं। और इधर देखिए इसमें भी प्याज में कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इस प्याज को कट करके दिखाऊंगी, अंदर तक पूरी तरह से पानी अब्जॉर्ब हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच।